ये अबू जो है ना वो हमारे साथ एक किस्सा शेयर कर रहे हैं साग का, तो मैंने कहा इसको भी जरा कवर। क्या बात है, तवा चढ़ा दिया गया मकई की रोटी के लिए और अब आपको दिखाते हैं कि यम्मी सी मकई की रोटियां बनने लगी। सो गुड मॉर्निंग गाइज, और आज हम मौजूद हैं अपनी छत पर और आज हमें बहुत मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून इन टू द व्लॉग एंड बिफोर वी बिगिन द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अभी जितनी देर में रोनिका नीचे से चीज़ें रेडी करके ला रही थी, मैंने सोचा कि छत के ऊपर बैठने का इंतज़ाम कर दिया जाए। चारपाई वगैरह लगा दी, आज फुल जो है वो देसी माहौल क्रिएट करेंगे क्योंकि हम शहरों में रह के अपना जो देहात की चीज़ें हैं उनको भूल चुके हैं। तो सोचा चलो छुट्टियाँ थोड़ा सा देहाती चीज़ों को इन्जॉय किया जाए। तो अभी आपको दिखाते हैं बाकी की चीज़ें ऊपर लेकर आते हैं, लगाते हैं और इन्जॉय करते हैं। जी हमने अपना चूल्हे के लिए इंतज़ाम कर लिया सारा कि किस तरह से लगना है। रोनिका जो है वो सारे मसाला जात भी ऊपर ले आई है और अब हम लोग बहुत इंजॉय करने वाले हैं। हमने सोच तो लिया था कि हम लोग ऊपर जाके आज हम साग बनाएंगे लकड़ियों पर और द स्ट्रगल बिगिंस हियर। और जीवा बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है क्योंकि जीवा गेट्स अ चांस टू राइड हर बाइसिकल। और ऐसा कैसे हो सकता है कि ज़ाइन कोई अपना काम ना कर रहा हो, ज़ाइन ने बटर पकड़ लिया है। बहुत ही मज़े की धूप है और बहुत मज़ा आ रहा है एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय सम ऑरेंजेस एज वेल। ज़ाइन व्हाट आर यू ईटिंग? ऑरेंज। और ये वाली छुट्टियों का हमने बहुत फ़ायदा उठाया, आज हम सनलाइट ले रहे हैं, दैट मीन्स अ होल लॉट ऑफ विटामिन सी। ये यहाँ पर अबू अपना गांव का तजर्बा इस्तेमाल करते हुए आग को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें और कुछ नहीं मिला तो हमने पीवीसी का पाइप यूज़ किया है फूकनी के तौर पे और आग लगता है जी लग चुकी है। वो देखें नीचे हल्की हल्की अभी उबर रही है लेकिन अभी खो जाएगी। खट्टा है? आपको किसने बताया ये खट्टा है? चाचू तो यहाँ इधर है, चाचू तो इधर है अभी नहीं है, दादा ने बताया। मुझे तो लगता है मीठा है। तो आपको सनलाइट से क्या हो रहा है? सन को देखो जरा, सन किधर है? ऊपर होट है। रोनिका आज आपको छुरी के साथ ऑरेंज काट के दिखाएगी। नॉर्मली हम हाथ से काट के मौसमी को काटा जाता है छुरी से। Zain is calling you auntie? Yeah. Zain? Dida's auntie? Dida ko auntie bola? Naughty karte ho? Ji wo to keh raha nahi bola. तो गाइस ये हमारे इंग्रीडियंट सबसे पहले साग, इसको कुछ देर पहले मैंने रेडी करके रख लिया हुआ है और सिर्फ हम लोगों ने इसके अंदर अभी मिर्ची वगैरह डाली हुई है और थोड़ा सा कोटा हुआ है, बाकी आज काम होगा। और ये कुछ हमारे मसाले हैं, देन वी हैव घी, फिर हमारे पास बीफ है और लिटिल टमाटो प्यूरी, देन वी हैव मिर्चे हैं जो हमें तड़का लगाना है और प्याज है और बटर है, ये रही जिसमें हम पतीली में हमारा बनना है और बाकी आपको बना कर दिखाते हैं। चलो जी। क्या हुआ गाइस? मैं ये सैमल को कहती हूँ कि लकड़ियों पे बनाना कोई आसान काम नहीं है, रुलाई हुई है लकड़ियों ने। रो क्यों रही हो? बस कुछ इंजॉयमेंट के लिए कभी कभी खुशी के आंसू हैं। नहीं एक्चुअली धुएं की वजह से है। चलें जी चढ़ा दी है जी हमने अपनी मिट्टी का बर्तन। चलें जी अब इसमें घी डालेंगे। ये देखें जी यम्मी। और एक डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट प्रोफेशनल शेफ्स, तो इसलिए आप लोग हमें जज ना कीजिएगा, ये सिर्फ फन है और फैमिली के साथ इंजॉयमेंट है। के बर्तनों की खासियत ये होती है कि जब ये एक दफ़ा गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद ज़बरदस्त काम स्टार्ट हो जाए। तो फैमिली के साथ आज छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना गाँव का माहौल जो है वो अपनी छत पर क्रिएट किया जाए और साग जो है उसको लकड़ियों पर बनाया जाए। और वैसे तो साग जब रेडी होता है मोस्टली जगहों पे सिर्फ उसको एंड में तड़का लगाया जाता है, लेकिन ये मेरी अपनी
क्रिएटिविटी है। अभी रोनिका बनाती जा रही है, फर्स्ट टाइम ऐसे साग को इसने ट्राई किया है, और अब्बू बैठे हैं ज़रा देख रहे हैं, क्योंकि हमें ज़रा जो है ना वो थोड़ा एक्सपीरियंस पुराना भी चाहिए होता है। अम्मी अभी हमारे पास नहीं है, अम्मी ज़रा गई हुई हैं मैथ्यू भा के पास, और हम उनको मिस कर रहे हैं, है ना। अम्मी के साथ होते तो अम्मी ज़रा थोड़ी और देसी बातें हमें बता देती इस मामले में। नहीं, अब्बू के पास भी ज़खीरा बहुत ज़्यादा है, अब्बू के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं, खास तौर पे खानों का ज़खीरा अब्बू के पास। हाँ जी, अब्बू बड़े मज़ेदार खाने बनाते हैं। किसी दिन आपको अब्बू के हाथ का भी खाना बनाएंगे और कवर करेंगे, और आपको दिखाएंगे कि अब्बू बड़े मज़ेदार खाने बना के देते हैं। ये अब्बू जो है ना वो हमारे साथ एक किस्सा शेयर कर रहे हैं साग का, तो मैंने कहा इसको भी ज़रा कवर कर लेते हैं। क्या हुआ था जी अब्बू? जब हम गांव में रहते थे तो कोई नहीं, पंजाबी जवान दो। नहीं कोई बात नहीं, साग बना हुआ था तो मेरी एक खाला थी, वो साग की बड़ी शौकीन थी। गांव में सारा आदमी वैसे साग का बड़ा शौकीन होता है, तो उसने सुबह जब उठी तो वो साग, हम तो गांव में ये करते थे कि साग जो है वो रोटी के ऊपर रख लेते थे और बड़े मज़े से खाते थे। तो उसने भी ऐसे किया कि उसने हंडिया से जब साग निकाला तो वो साग उसने अपनी रोटी पे रखा, तो उसने ये देखा नहीं बड़े गौर से, क्योंकि वो बिच्छू का जो है चेहरा वो साग के साथ भी मिलता है, मिला जुला ही होता है, मिक्स हो गया था। जब बुरकी को लिया, थोड़ा सा साग लिया, तो उसने ये नहीं देखा कि इसके अंदर बिच्छू है, तो वो उसने जब उसने अपने मुंह में डाला तो उसकी जुबान पे बिच्छू लड़ गया। तो साग क्या खाना था फिर, वो तो रो रो के पीट पीट के उसने अपना बुरा हाल कर दिया। तो कभी कभी साग खाने से ना ऐसे भी तजर्बात होते हैं। क्या बात है, ये तो बहुत टेस्टी है। क्या बात है, ये आप चेयर इसके लिए यहाँ पे खींच के लाए हो? ये देखें, ये हमें पता नहीं चला, धक्का लगाता जा रहा था चेयर को, तो बाद में पता देखा है कि यहाँ सेट करके ना हाइट से, और नीचे आंटी के साथ बातें हो रही हैं वेंटिलेशन में। आपको कैसे पता है कि इधर से ऊपर चढ़ते हैं? किसने बताया? खुद ही पता। ओ तेरी, ओ बस, काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली साग का पानी सूख चुका है, पर हम मेरे ख्याल ऑलमोस्ट एंड की तरफ पहुंच गए। हाँ जी, बस हम इसको तड़का लगाएंगे। क्या बात है जी, और मकई की रोटियों का भी बस जो है ना सामान रेडी हो चुका है, अभी थोड़ी देर तक वो भी बनना शुरू हो जाएंगे। जी वाह। हम लोगों का जो साग है वो मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुका है, और अभी इसको एक लास्ट तड़का सिर्फ रोनिका लगाएगी और उसके बाद हम इसको खाएंगे मज़े के साथ। जी, साग हमारा रेडी है और सर्विंग के लिए जा रहा है, बस अब एक तड़का लगेगा एंड साग वो इधर रख के लगाए। और जाइनो बाबा पीछे हो जाओ मेरा बेटा। जाइन, आप तो ऐसे बैठ गए जैसे सारा खा जाओगे। जी, तड़का रेडी हो रहा है, मक्खन डाल दिया गया। ये अब हम डालेंगे काली मिर्च, जीरा और साबुत लाल मिर्च, और उसके साथ हम डालेंगे अदरक। और लग गया, क्या बात है। स्पेशल हमने आंटी को बुलाया है कि वो मकई की रोटियां जो है ना वो एक बन चुकी है, वो मैं उस टाइम पे कुछ कर रहा था तो मैं कवर नहीं कर सका, तो अभी जो है ना आपको वो आंटी जब रेडी करेंगी तो ये वाली दिखाते हैं। ये जी आंटी ने रोटी एक चढ़ा दी है।
अम्मी नहीं है यहाँ पे, बाकी पास है, हम प्रॉमिस कर रहे हैं। हाँ जी, है ना। वाह, ये क्या बात है जी, बड़ा खूबसूरत कलर आ रहा है उनका। वाह जी वाह, क्रेविंग बढ़ती जा रही है इसको देख के, जैसे जैसे गाना रोटी रेडी हो रही है अभी बड़ा मजा आने वाला है। इसमें मक्खन डालेंगे और साग डालेंगे और हम खाएंगे। अबू की पहली सर्विंग हम अबू को कराते हैं। ले जी अबू, साग डालें अपना ऊपर। अच्छा ऊपर डालना, ऊपर ही डालना है अबू। हाँ, क्या बात है। नहीं मैं प्लेट में बुझी डाल, ठीक है, जरा बोटी भी आपकी है। चलो बस बस, और साथ में अबू की लस्सी का ग्लास। ओए होए, बड़ा मजा आने वाला है जी। लो जी अब, चलो अब इंजॉय करो आप अपना खाना। वाह। आज अबू को अपना गांव याद आ गया होगा। हैं अबू आ गया, क्या बात है जी। अब हम सैमल से कमेंट्स लेंगे। क्या बात है जी, मैं कहता हूँ मजा ही आ गया। और रोनिका को थैंक यू करते हैं हम। नहीं जी, हम तो खुश हैं कि सबको पसंद आया, बहुत मजा आया। गॉड ब्लेस यू, हम इसको खाएंगे और एंजॉय करेंगे। थैंक यू। तो जी ये था आज का व्लॉग, सबने बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे। सो अंटिल देन डू लाइक शेयर, यस सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय 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 ज़ाइन बाय यानी से बाय एंड अबू बाय।